तो भाई लोग, मैंने महाराजा मूवी फाइनली देख ली है। पिछले महीने पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई लेकिन मैं देख नहीं पाया था। उसके पीछे रीजन ये है कि पिक्चर तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, हालांकि सबटाइटल थे, पर भाई सबटाइटल पढ़ते पढ़ते पिक्चर देखने में वो मजा नहीं आता है। तो मैंने सोचा एक महीना वेट कर लेते, उसके बाद पिक्चर को हिंदी डब में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता था एक आधे महीने के अंदर ये पिक्चर ओटीटी पे आ ही जाएगी। एंड फाइनली मूवी अब ओटीटी पे आ चुकी है, मैंने इस पिक्चर को देख लिया है। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, फिर भी 3 दिन बाद देखी है मैंने पिक्चर, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही मैंने पिक्चर देख ली। और भाई मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये है पिक्चर को लेके कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट मूवी देखी है 2024 की। तो मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक एक करके सारी चीजों पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पिक्चर के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है महाराजा। इसको प्ले कर रहे विजय सेतुपति, और महाराजा का जो कैरेक्टर है ना, वो एक सैलून में काम करता है। उसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ और बच्ची होती है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ समय बाद उसकी वाइफ और उसकी बच्ची का एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें वाइफ की जान चली जाती है। एंड इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद बच्ची की जान कैसे बच जाती है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। वो ये है कि बच्ची की जान बचाता है कचरे का डब्बा। अब वो कचरे का डब्बा बच्ची की जान कैसे बचाता है वो तुम फिल्म में देख लेना, लेकिन उस डब्बे की पूरी पिक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कचरे के डब्बे का नाम होता है लक्ष्मी, जिसको बाप और बेटी जो है बड़े ही प्यार से रखते हैं, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। जैसे हमारे फैमिली फोटोज नहीं लगे होते घर में, वैसे इन लोगों ने उस कचरे के डब्बे के साथ फोटो खींच के घर में लगा रखे है। पर यार इसके बाद जो पिक्चर में टर्निंग पॉइंट आता है ना, वो सुनने से पहले भाई मुझे पता तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं बता ही रहा हूँ ना आगे कि टर्निंग पॉइंट क्या आता है। वैसे क्या अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड मैं बता ही देता हूँ तुमको कि टर्निंग पॉइंट आखिर आता क्या है। तो भाई टर्निंग पॉइंट ये है कि कचरे का जो डब्बा होता है, जिसको ये लोग जान से भी प्यारा समझते हैं, वो चोरी हो जाता है। एंड महाराजा के पास ये टास्क है कि उसकी बेटी कैंप से वापस आने से पहले उसे वो डब्बा ढूंढ के लाना है, क्योंकि अगर उसकी बेटी को पता चल गया कि लक्ष्मी चोरी हो चुकी है, मतलब वो जो डब्बा होता है कचरे का वो चोरी हो चुका है, तो उसका दिल टूट जाएगा। अब इस बंदे को कैसे भी करके भाई उस डब्बे को ढूंढ के लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसे दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। फिल्म में एक सीन आता है जिसमें हमें महाराजा की बेटी दिखाई जाती है, जिसको प्रिंसिपल रूम में खड़ा किया गया है, एंड महाराजा भी वहाँ पे मौजूद है। उस पर एक झूठा आरोप लगाया गया था शराब से रिलेटेड। देन वहाँ का प्रिंसिपल जो होता है वो बहुत सारी चीजें उन्हें सुना रहा होता है, मतलब महाराजा और उसकी बेटी को। एंड महाराजा वहाँ बोलता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तभी पता चल जाता है भाई, एक टीचर आती है एंड वो बताती है महाराजा की बेटी की कोई भी गलती नहीं है, गलती है किसी और लड़के की जिसने ये शरारत की थी। एंड इस मोमेंट पे महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि मेरी बेटी से माफी मांग, जो भी तू उसको बोला है, जो भी गलत आरोप लगाए है, उसके लिए मेरी बेटी से माफी मांग। एंड भाई लिटरली जब तक प्रिंसिपल माफी नहीं मांग लेता, ये बंदा वहां से हिलता तक नहीं है। एंड जिस तरीके से वो पाइप को पकड़ के मरोड़ देता है, प्रिंसिपल की एकदम से ही फट जाती है, और वो सीन एस्टैब्लिश कर देता है कि यह बंदा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई ये बात तो क्लियर है कि अब महाराजा किसी भी हालत में वो कचरे के डब्बे को ढूंढ के लाएगा। तो खैर अब महाराजा पहुंच जाता है उस कचरे के डब्बे की पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, एंड पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पुलिस वाला एक कचरे के डब्बे की कंप्लेंट तो नहीं लिखेगा। एंड ये भाई साहब चाहते हैं कि किसी भी हालत में पुलिस उनका कचरे का डब्बा ढूंढ के लाए, पर खैर पुलिस जो है वो मान जाती है, वो भी 5 लाख में कचरे का डब्बा ढूंढने के लिए। समझ रहे हो, एक बंदा एक नॉर्मल सा कचरे का डब्बा ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है पुलिस को, और वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब देखो इस मोमेंट पे तुम्हें लग रहा होगा कि क्या कहानी है, मतलब पूरी पिक्चर में क्या बस ये कचरे का डब्बा ही दिखने वाला है, या इसी टॉपिक पे पूरी पिक्चर चलने वाली है। लेकिन रुको भाई, यहाँ तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा सोचने लग जाते हो कि भाई तुम्हें क्या यही देखने को मिलेगा, तो फिल्म में आ जाता है फटाक से एक ट्विस्ट। तो भाई मेरा विश्वास मानो, इस कचरे के डब्बे से बहुत ज्यादा ऊपर है फिल्म की कहानी। मैं बताने को तो तुम्हें बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ इस पिक्चर के बारे में, पर मैं ये नहीं चाहता यार कि तुम्हें स्पॉइलर देके तुम्हारा मजा खराब करूँ। तो दैट्स वाई जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये कह रहा हूँ तुमसे कि 2024 में अब तक मैंने जितनी पिक्चरें देखी है, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज की लिस्ट में ये पिक्चर भी आती है, इंक्लूडिंग इसका स्क्रीन प्ले। भाई वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्ले मैंने देखा है आज, क्योंकि इस तरीके की कहानी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है,
वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। अब देखो सारी बातें तो मैंने तुमको बता दी, लेकिन एक बात नहीं बताई, वो है पिक्चर का विलन। भाई पिक्चर का विलन जो है वो है अनुराग कश्यप। एंड इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा ना तो पिक्चर का स्पॉइलर तुम्हें मिल जाएगा। एंड दैट्स वाई इनको सीक्रेट ही रखते हैं। एंड बात करते हैं इसके क्लाइमैक्स के बारे में। भाई इसका क्लाइमैक्स यार तुम्हें एकदम इमोशनल करके छोड़ता है। मैंने सोचा नहीं था ये मूवी जो है इस पॉइंट पे आके एंड हो जाएगी। लिटरली उस क्लाइमैक्स को तुम फील करते हो एंड इमोशनल हो जाते हो। इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग विद इमोशन। और जो ट्विस्ट है भाई क्लाइमैक्स में, वो इस पिक्चर का बेस्ट पार्ट है। और क्लाइमैक्स के एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें हमें वो पैंडल दिखाया जाता है जो कि अनुराग कश्यप खरीदता है अपनी बेटी के लिए। पैंडल को अगर तुम नोटिस करो, एंड सेम जब क्लाइमैक्स में वो सीन आता है, जो पैरों के निशान बनते हैं जमीन पे वो रेड हो जाते हैं। भाई क्या ही सीन था वो। मतलब इस फिल्म के जो मेकर्स है, उन्होंने एक एक छोटी से छोटी डिटेलिंग पे काम किया है। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा फिल्म के डायरेक्टर की, जिनका नाम है निथिलन स्वामीनाथम। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो भाई इन्होंने ही पिक्चर को लिखा और डायरेक्ट किया है। और मैं कहना चाहूंगा यार कि मतलब सर रिस्पेक्ट है आपके लिए कि इस टाइप की इन्होंने पिक्चर बनाई है। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि ये पिक्चर इनकी ओनली दूसरी पिक्चर थी। इससे पहले इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी 2017 में, जिसका नाम था कुरांगो बोम्माई। एंड 2024 में इन्होंने दी महाराजा, जो कि बन चुकी है 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी, वो भी तमिल लैंग्वेज में। मूवी का टोटल कलेक्शन बना है 103 करोड़ रुपए। समझ सकते हो ओनली रीजनल लैंग्वेज में रिलीज होके 103 करोड़ पिक्चर ने कमाए हैं। बिकॉज ऑफ इसकी स्टोरी टेलिंग, इसका डायरेक्शन, सब भाई एक नंबर था। एंड हम विजय सेतुपति को कैसे भूल सकते हैं, भाई पूरी पिक्चर में बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब सेतुपति को तुम एक्टिंग में ऐसे कह सकते हो यार कि लेजेंड आदमी है, इनके बारे में क्या ही बोलूं मैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जब इनको स्क्रीन पे देखता हूँ भाई मजा आ जाता है, कमाल के एक्टर है। ओवरऑल इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मुझे भाई पिक्चर बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने इस पिक्चर को एंजॉय किया और तुम्हें भी हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जाके इस पिक्चर को देखो। घर बैठे बैठे देखना यार, OTT पे आ चुकी है, तो बिल्कुल भी मिस मत करो, पिक्चर देखो। एंड जो भी मैं कहना चाहता था फिल्म के बारे में सब कुछ मैं बोल चुका हूँ। अगर तुम कुछ बताना चाहते हो मुझे तो भाई कमेंट में बता देना। एंड अपन इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game.